जितना मुझसे निकला उतना निकाला, अब शाम को होगा ये, क्योंकि मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा लेट। और मैंने यहाँ पे कर दिया अपना लंच पैक, इसमें मैंने अपना सैलेड पैक कर दिया, ये मैंने चटनी डाली है, और आज मैंने बनाए थे पराठे, तो ये ऐसे पैक किए, क्योंकि स्कूल में जो मेरे पास वो है दूसरा लंच बॉक्स, उसमें गर्म करने को डाल दूँगी। अभी टिफ़िन के अंदर इसको मैं डालूँगी, और ये मेरा आज का लंच है। और फ्रूट में मैं ले जा रही हूँ यहाँ पे काट कर चीकू, जो मैं अपना फास्ट ओपन करूँगी उस टाइम पे खाऊंगी। ये हो गया मेरा लंच पैक, और चलते हैं अब जल्दी से। 9:40 हो गए हैं और अब चलते हैं स्कूल। ये मेरा लंच, और फटाफट से निकलते हैं। जय माता दी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलते हैं अब स्कूल। 9:40 हुए हैं, 9:50 पे हमारा बैंड शुरू हो जाता है, तो मैं पहुंच जाती हूँ 5-10 मिनट में। यह छुट्टी हमारे साथ है रानी और महक। रानी जा रही है एजुकेशन टूर पे, है ना? एजुकेशनल टूर पे जा रहा। हाँ, ये जा रही है दिल्ली, केरला जा रही है। बहुत अच्छा, पहुँच गई हूँ मैं घर। अभी थोड़ी देर में हमने गांव जाना है आज, और लेकिन अब देखते हैं उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि हेलो। क्या हो रहा है? हेलो अक्की। अरे आक्रिस्ट भी आया है कल। कितने दिन की छुट्टियां है बेटा आपको? हमारे तो अभी स्कूल खुले ही नहीं है। अच्छा, आपके तो सच एग्जाम हुए। और सारी इष्ट फिर आज का तो कुछ नहीं, आज अक्की इधर ही रुकेगा, क्योंकि हम नहीं जा रहे हैं। क्यों हम नहीं जा रहे? मैं तो जल्दी जल्दी आई। एक बैड न्यूज़ है। क्यों? क्या बैड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़? आके आदमी रुकेगा फिर ताली तेरी मुझ काली। यस हाँ, काली दुबारा। अच्छा, फिर बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज पापा को जरूरी काम आ गया है कुछ। मैं तो जल्दी जल्दी आई कि हमें जाना है। उनको हॉस्पिटल में आज लेट हो गई, उनको पार पार जाना पड़ा, और अभी पता नहीं उनको कहीं और भी जाना पड़ेगा, दवाई लेने हैं। आज क्यों ना थे, पहले से बोल देना चाहिए था, है ना? उनको पता नहीं, अचानक से आया होगा ना बेटा काम, तो फिर क्या कर सकते। बोलना चाहिए था, अब जाएगी हम कल। चलो, मैं तो दौड़ दौड़ के इसीलिए आई थी कि हम निकलने वाले हैं, और तो जब मम्मा घर पहुंचे वैसे पैकिंग ही तो कर। हाँ, ये बारिश शुरू हो गई, ये मौसम अचानक से खराब हो गया। दिन में वैसे ठीक था। नहीं, गिर जाओगे। चलो, शरारते मत करो। मम्मा वीडियो बहुत लेट बना रहे हैं ना, धूप के साथ बारिश होती है, बहुत सुंदर लग रहा। अभी भी हो रही है बारिश, हो रही है। उस तरफ को साफ है, और इस तरफ को बहुत ही भयानक है। गाँव जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और फिर मैं अब लगी हूँ कपड़े धोने, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग काम थे, सोचा अभी इनको निपटा लेते हैं, सुबह सुबह जल्दी जाना है। जो धोने वाले हैं इधर डाल लें। कौन आया, कौन आया, कौन आया? हेलो अविका, कैसे हो आप? और मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया, मेरी भतीजी अविका आई है, और ठीक हो? वही से मिलने आए? दादी माँ ठीक है? बाकी सब ठीक है? दादू भी ठीक है? घर पे ही? छुट्टियाँ आपको? कब से आपकी क्लासेस शुरू? कुछ दिनों में हो जाएगी, मंडे से, है ना? मंडे को 10th है ना? नाइन्थ को? अच्छा, 9th को तो संडे है बेटू। 10th से शुरू होगी आपकी, 10th of April, है ना? ठीक है, और बाकी सब ठीक? और ये बॉल लड़ रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है। अभी कभी आई है ये, देखो एक और आ गया साइकिलिस्ट। कौन है? हाँ हाँ ठीक है, अंदर लगा। कोई कहाँ घूमने जा रहा है? नहीं जाना प्लीज। एक इतना बड़ा प्लेयर और एक इतना छोटा प्लेयर, देखो। एक ये छोटा सा प्लेयर, मारो किक, मारो बॉल में। अभी का बॉल का कलर तो आपकी ड्रेस के साथ बहुत मैच हो रहा है, देखो बहुत अच्छी लग रही। घायल हो गया एक एक खिलाड़ी घायल। हाँ सारी देखना, सारे पत्ते, ये छोटे छोटे से पौधे बेटा, ये टूट रहे हैं, बॉल जा रही है ना इसके ऊपर। अभी टाइम हो रहा है
6:30 बजे के करीब, और क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमें जाना था गांव, और बिल्कुल तैयारियों के साथ हम लोग बैठे थे। हमने सभी कुछ पूरा समेट दिया था यहाँ से। ये तो मैं कल का छोड़ चुकी थी क्योंकि इसमें इतनी बुरी तरह से चिपका है, निकलने वाला है नहीं। तो हमने जाना था गांव, और लेकिन हस्बैंड को आ गया बहुत ज़रूरी काम। कई बार वो ऐसा करते हैं, फिर क्या कर सकते थे, क्योंकि हमने सारे बर्तन ये सब कुछ क्लोज कर दिया था, हमने कुछ भी नहीं बचाया था, क्योंकि हमने आने वाले हैं वापस 2-3 दिन में, तो तब तक वो ख़राब हो जाता। तो बच्चों की फरमाइश आई कि कुछ चटपटा सा बना दो, तो मैंने यहाँ पे ये प्याज और आलू, हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया लूँगी, इसके मैं बनाऊँगी इनके लिए पकौड़े। और यहाँ पे साथ में मैं बना रही हूँ ये टॉप रेमन जो नूडल्स हैं मैगी टाइप, तो मैं ये नूडल्स इनके लिए बनाऊंगी, मसाला नूडल्स जो है। तो आज हम यही खाने वाले हैं, क्योंकि हम क्या आज डिनर ही हम इसका करेंगे। मैं सबके लिए यही बना रही हूँ ताकि हमारा जल्दी से क्लोज हो जाए। सुबह हमने सुबह सुबह निकलना है, सुबह हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, यहाँ पे गांव में ही जाके खाएंगे। तैयारी मैंने कर ली है नूडल्स बनाने की, तो मैं इसको फुल ऑफ वेजेस बनाऊंगी क्योंकि आज हमारा डिनर यही होने वाला है। और यहाँ पर ये मैंने सारी, इसमें भी बहुत सारी सब्जियाँ काट दी है, आलू, शिमला मिर्च और प्याज, हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा ये हरा धनिया कट किया है, थोड़ा इधर भी डाल। इसको मैंने थोड़े बड़े बाउल में, इन सब सारी जितनी भी मैंने सब्जियाँ काटी हैं इनको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और साथ में इसमें डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे ये कसूरी मेथी मैंने इसमें डाल दी है, और डालेंगे हल्दी, और साथ में डालेंगे हम सूखा धनिया, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है सूखा धनिया। और साथ में डाल देंगे, क्या डालेंगे, क्या बच गया, बेसन। तो अभी इसको बेसन को डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। ये हो गया इसका बैटर तैयार, यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया है। और ये है देसी स्टाइल में टॉप रेमन। क्या करें, बच्चों की फरमाइश है, बच्चों का मन नहीं मार सकते, खुद मन हो या नहीं, खुद आप खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, पर बच्चे जो भी डिमांड करें, अगर पॉसिबल है तो उनकी डिमांड पूरी करें। रोज़ रोज़ तो ये बनाते नहीं हम उनके लिए, तो सानिध्य का भी बहुत मन था, बोलता मम्मा देखो मैं ये चीज़ें खाता ही नहीं हूँ, आज आपको बोल रहा हूँ तो आप बना दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं बना दूँगी। तो ये मैंने यहाँ तल दिए हैं कुछ पकौड़े, और अभी और भी तलूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मैं इनके लिए नूडल्स। कुछ पकौड़े मैंने बना लिए हैं, अब इनसे सब्र नहीं हो रहा है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा मैंने बहुत कम तेल डाला था, मुझे और ऐड करना पड़ेगा, कि हमें पहले खाने को ही दे दो यही, और हम नूडल्स खाएंगे थोड़ी देर में। तो अब ये पहले इनको परोस देते हैं, उसके बाद मैं नूडल्स बनाऊंगी, क्या पता इनका मन हो या नहीं नूडल्स खाने का बाद में, क्योंकि बहुत सारा मैंने बैटर बना दिया है यहाँ पे। और आपको मैं दिखाऊँ इनकी हरकत क्या कर रहे हैं, ये यहाँ तो नहीं है, ये चले गए इस वॉशरूम में, क्योंकि ये बहुत बड़ा है हमारा वॉशरूम। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये वाली तैयारी, स्विमिंग की तैयारी। सानिध्य आ बेटा, ये प्रोग्राम किया हुआ है उन्होंने वॉशरूम में, अपनी वो जो पुराना इनका स्विमिंग पूल था उसको लेके आए, उसको भर रहे हैं। मैं इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ उनको, आ जाओ कहाँ हो तुम, मम्मा अभी आ रहे हैं अभी आ रहे। पहले सानिध्य ने बोला कि मम्मा जल्दी से बनाओ हमारे लिए, हम अभी खाएंगे, पहले हम पकौड़े खाएंगे, अभी खेल के आए ये कि अभी हम पहले पकौड़े खाएंगे और उसके बाद और हमें फिर नूडल्स। ये वाला बकेट नहीं बेटा, रेड वाला, कोई नहीं ठीक है, नहीं 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 बालकनी में भूल के आ गई मैं, लेके आओ लेके आओ जल्दी, हाँ लेके आओ जल्दी। नहीं देख कैसे झांक रहा बच्चे इनके, मुझे कभी कभी लगता है कि ये छोटे ही रहते तो कितना अच्छा था, बड़े हो जाएंगे दूर चले जाएंगे कोई बात शेयर नहीं करेंगे, और तब हम तरसेंगे इनकी इन बातों इन। और ये वाली हमारे पास है दो चटनी, एक पुदीन ग्रीन चटनी, एक हमारे पास रेड चटनी, ये है बुरांच के फूल की, और ये है पुदीना और हरा धनिया की। तो ये दोनों ही चटनी हम बच्चों को परोसेंगे, साथ में सॉस, ये सॉस अब देखते हैं इनका कैसा टेस्ट। तो ये देसी स्टाइल में बन रहे हैं टॉप रेमन, तो मैंने इसमें, हाँ ये मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ, इसमें मैंने जीरा डाला है, प्याज डाला है, और मैं बाकी की वेजिटेबल जिसमें सॉटे करने को डाल दूंगी, और ये मटर, शिमला मिर्च और प्याज
मैंने डाल दिया। टमाटर एक्चुअली है नहीं हमारे पास, अभी अवेलेबल आपके पास है तो आप डाल दें। बन गए हमारे देसी स्टाइल में नूडल्स, बिल्कुल रेडी है ये। इसमें हमने बहुत सारी सब्जियां डाली है और ये बने हमारे नूडल्स। एलची यहाँ पे आ गया है देखने के लिए कि कितनी देर है अभी। चलो ये हटाओ वहां से, बन गई। हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? तो अभी हम वहां जा रहे हैं, तो अभी हम मैगी खा रहे हैं। हाँ, आपके साथ प्रैंक हो गया वो रखो। और ये बनी हमारी टॉप रेमन। इसमें सिर्फ क्या कमी है, टमाटर की, वो पूरी करेगा ये चटनी और मैगी सॉस। चलो बेटा आप लोग खा। मौसम बिल्कुल साफ और 9:20 के करीब हो रहा है। ये सारे कपड़े धोए हैं मैंने अभी, और यहाँ पे भी है, बकेट में भी है, कुछ सूख के अंदर भी जा चुके हैं। तो फिर आजकल तो पता ही नहीं चल रहा है कि कब बारिश हो रही है, कब क्या हो रहा है। तो मैं ये जो गीले हैं, गीले मतलब ये स्पिन के हैं, इनको मैं डाल दूंगी, और जो ये मैंने पहले वॉश किए थे इनको मैं उठा लूंगी। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर। जो वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये फ्री है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और ये है वेदर, साफ सुथरा है, आज बादल नहीं है, और भगवान करे कल भी साफ रहे। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।